Okay, so watch this video. नाउ टेल मी इस वीडियो के अंदर प्रॉब्लम क्या है। ये पहली जो वीडियो है ये 25 किलो के डंबल के साथ है, दूसरी जो वीडियो है ये 30 किलो के डंबल के साथ है, बट मैं इन दोनों वीडियो में से किसी भी वीडियो के साथ सेटिस्फाइड नहीं हूँ। व्हाई? टेल मी द प्रॉब्लम। ओके, द प्रॉब्लम इज कि एक एक्सरसाइज को अगर आप बिना फुल रेंज ऑफ मोशन के मारोगे तो उस एक्सरसाइज के बेनिफिट्स उतने नहीं मिल पाते हैं जितने मिलने होते हैं। दिस इज नॉट अ प्रॉपर फुल रेंज ऑफ मोशन, दिस इज पार्शल रेंज ऑफ मोशन। सिर्फ 30 किलो के डंबल उठा के ऊपर से बीच में अपने यहाँ ऊपर से नीचे तक लाना इज नॉट अ गुड डील। जिस तरीके से बार यूज़ किया जाता है, जैसे एक बारबेल होता है, जिस तरीके से जहाँ से बारबेल यूज़ किया जाता है ऊपर ले जाया जाता है फिर वापस लाया जाता है, उतना ही डंबल को यूज़ करना चाहिए, बल्कि उससे ज़्यादा। डंबल का तो बेनिफिट ही यही है कि आपके मसल इम्बेलेंसेस को वो यूज़ कर वो हटा देता है और अब अपना उसका रेंज ऑफ मोशन जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। सो मेरे शोल्डर प्रेस के डंबल शोल्डर प्रेस में रेंज ऑफ मोशन का इशू है और उस रेंज ऑफ मोशन को मुझे रेंज ऑफ मोशन को चेंज करना पड़ेगा, मुझे अपना वेट गिनाना पड़ेगा डंबल प्रेसेस का। मुझे 25 किलो नहीं 30 किलो हाथ नहीं लगाना होगा, 25 किलो हाथ नहीं लगाना है जब तक मैं 25 किलो का यहाँ से और यहाँ तक, इतना नहीं अभी तो मैं इतना कर रहा हूँ कान के आसपास तक लेके आऊँ, जब तक मैं यहाँ जहाँ बारबेल रोकते हैं, बारबेल जहाँ पे रोकते हैं वहाँ से और पूरा फुल रेंज ऑफ मोशन ना करूं तब तक मैं इतने हैवी वेट पे कभी जाऊंगा ही नहीं। मैं अपनी वीडियो जो रिकॉर्ड करता हूं अपनी फॉर्म की, वो इसीलिए करता हूं ताकि मैं अपनी प्रॉब्लम्स पता कर सकूं। सो दिस इज माय प्रॉब्लम एंड दैट्स माय एनालिसिस। आई एम डूइंग अ मिस्टेक, आई हैव टू रेक्टिफाई माय मिस्टेक। मुझे अपना रेंज ऑफ मोशन अपना रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपने शोल्डर ग्रो करने हैं तो शोल्डर ग्रो करने के लिए हमें एक्सरसाइजेस के रेंज ऑफ मोशन को ठीक करना पड़ता है। दैट्स समथिंग जो कि मेरे को प्रॉब्लम फील हुई थी एंड दैट्स वॉट आई एम शेयरिंग विद यू। अगर आप भी इस तरह से शोल्डर प्रेस कर रहे हो तो आपको रुकना पड़ेगा। शोल्डर प्रेस जो है, डंबल शोल्डर प्रेस जो है, वो हमें नियर अबाउट वैसी करनी पड़ती है जैसे बारबेल शोल्डर प्रेस करनी पड़ती है, जहाँ अप डाउन, और मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। दिस इज द प्रॉब्लम, रेंज ऑफ मोशन मुझे अपना इंक्रीज करना पड़ेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड गिव मी एनी सजेशंस इफ यू हैव।